अगली खबर रुड़की से, जहां मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्षों के बीच हुआ खूनी संघर्ष। नमस्कार, यूके टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आयशा। आपको बता दें, रुड़की के भीड़भाड़ वाले बाजार में दो पक्षों में किसी बात को लेकर धारदार हथियार चल गए, जिन्हें देखकर लगता है कि इन दबंगों को कानून नाम का कोई खौफ नहीं है। हाथों में छुरी, चाकू और लोहे की रॉड से एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष पर हमला कर रहे हैं, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसे देखकर लगता है कि शहर में कानून नाम का कोई खौफ नहीं है। वहीं इस झड़प में एक पक्ष के 5 लोग घायल हैं, जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं, जिनका इलाज देहरादून के अस्पताल में चल रहा है। साथ ही दूसरे पक्ष के 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज हरिद्वार के एक अस्पताल में जारी है। वहीं परिजनों में भी इस झड़प के बाद खौफ छाया हुआ है। उनका कहना है कि घायल बच्चों की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस द्वारा दोनों पक्षों की ओर से आई तहरीर के आधार पर पूरे मामले की जांच की गई है। इस मामले में गंगनहर कोतवाली प्रभारी मनोज मैनवाल ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है और वायरल वीडियो के आधार पर पहचान कर आधा दर्जन लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो मेरा बच्चे तो बिना खता पिसे कुछ बात ना चाहिए था। जब कुछ किसी से साथ लड़ाई हो क्या, दुश्मन आई हो, तो कुछ बात करते भी अच्छा लगा। मेरा बच्चा था अच्छा खासा, यहाँ से चाय पी कर गया, बस 5-10 मिनट गए हुए बच्चे मेरा, चाय पी के बाहर निकला बस वो। अच्छा, अब इसका कहीं से खुंदन निकाल गया, अपने भाई से लड़काया क्या, किसी से कुछ चीज़ लड़काया, वो कुछ पता नहीं हमें किससे लड़काया किससे नहीं लड़काया। अब उसका जैसे जिज्जा नहीं मिला, जिससे लड़ाई करता क्या, उससे गाली बकता वो मिला नहीं। अब इसका वो बाहर बैठे ही उन पर उंगली करके ऐसा करके बहाने की मांग गाली बकी, क्या भाई मैं गाली क्यों बक रहा भाई मुझे, तो मैंने तो मुझे कुछ कह नहीं, मैं तो गाली क्यों बक रहा भाई मुझे। अच्छा, ये कह के वो चला गया। ये मेरा लड़के ने फ़ोन करा क्या, मैं यासिन जाल वाला वो दुनिया पे हावी होता है। वो दुनिया को बस लड़ाई कर लगा, चुक्की छूर चला लगा और फिर फैसला मांगा। हम फैसला नहीं लेने ना, उस समय हमने केस 7 लाख फ्री में दिया था होटल। हमने दुश्मन ही, हमने भैया की नगा, हमारा इसके पापा ने भैया बना रखा था उसे, सही है जी। किसी से देते हुए छूरे थी मुर्गे काटने की, वे थे चप्पड़। मेरा जो दंड का लड़का था उसे नीचे पड़ा के उसे ऐसी कमर काटती उसे करके, आज तुम देखोगे टांग कैसे लगे उसके, बीमार से मार हो रहा। पांच एक का अंगूठा कटा, मेरे लड़के का सिर फटा, मेरा लड़का देहरादून पड़ा, मेरे बच्चे दो पड़े, मेरे बच्चे बस देख रहे आज कुछ हो गया ना होना मेरे बच्चे को, बस इसे फैसले लेना इसका, मैं लड़ूंगी। ये तो सिर्फ आबेल लड़ाई करने वाली बात थी, बिना फालतू की लड़ाई थी हमारे साथ। हम यहाँ पे दुकान पे बैठे थे अपनी, दुकान पे आने के बाद उसने गाली गलौज करी यासिन चाल वाले ने हमारे साथ, और हमने पूछा गाली गलौज किस बात करी, इसने फिर हमें और बदतमीजी करी और सब हमारे साथ। फिर हम ऊपर गए तो बच्चे थे हमारे साथ, उससे जाके फिर हमारे साथ हमला करा गया हमारे साथ छुरी चप्पड़ से, और बल्कि काफ़ी सारी वीडियो भी है इसमें और सब चीज़ है। लगभग 5 लोग घायल हैं सर, गंभीर रूप से हैं। लगभग एक की है 17 साल की है, एक की है 19 साल की उम्र, दो जो इसमें है। पुलिस ने तहरीर दिया आपने? जी तहरीर दे रखी सर, जी तहरीर दे रखी पुलिस का, कर रही है कार्रवाई, वो अपने कर रही है। थोड़ा इसमें टाइम लगेगा अभी, क्योंकि जो सप्लीमेंट रिपोर्ट आएगी वो अभी आई नहीं, सप्लीमेंट रिपोर्ट के आधार पे हम इसका मुकदमा दर्ज करेंगे। जी फैसला का दबाव भी बनना है, थोड़ा सा फैसला करा जाए हमारे साथ, मगर हम फैसला नहीं करने का सर, क्योंकि हमारे साथ बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा जाती हुई।